उन्होंने आज इस बारे में टीम 9 की बैठक में समुचित निर्देश दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मिशन रोजगार के अंतर्गत आज लगभग 5,800 से अधिक जो पुलिस और जेल विभाग के नव नियुक्त कर्मचारियों को अधिकारियों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा में भी अधिक से अधिक रोजगार पैदा किया जा सके, इसके लिए भी प्रयासरत है और इसके लिए लगातार बैंकों से और उद्यमियों से संपर्क हो रहा है। ये बदस्तूर आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ ये हमारा जो मिशन रोजगार है, जो कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने की जिसमें योजना है, उसके अंतर्गत अन्य ऐसे विभागों को भी समझ जहाँ जहाँ पर नियुक्तियाँ हो रही हैं, तेजी उनको कराई जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो हमारे पूरे प्रदेश के चयन आयोग हैं उनके अध्यक्षों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं कि कितने अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने के लिए, अधिक से अधिक सरकारी रिक्तियां भरने के लिए कितनी तेजी से जो है कार्य चला कराया जाए, इसकी कार्य योजना भी उन्होंने मंगाई है। सभी विभागों, निगमों, बोर्डों को निर्देशित किया है कि जो उनके यहाँ वैकेंसीज हैं, जो कि रिक्तियां तत्काल उनको भरें ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसमें समायोजित किया जा सके। इसके साथ साथ किसानों, संक्रमण काल के बावजूद किसानों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है, और जहाँ एक और पिछले साल से 1.5 गुना से अधिक रिकॉर्ड जो है वो गेहूं खरीदा गया रबी में, दूसरी ओर खरीफ के लिए भी बीज और खाद समय पर उपलब्ध कराने का भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया है, जिसकी उनकी उनके द्वारा प्रतिदिन समीक्षा भी की जाती है। धन्यवाद।